नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, फिल्म गुड्डी के बारे में आज का वीडियो है। गुड्डी फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी और इसमें मतलब धर्मेंद्र और जया बच्चन जी प्रमुख भूमिका में थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ पे पहले अमिताभ बच्चन को लिया गया था और बाद में उनको निकाल दिया गया था, ये खबरें आई है और इसी के बारे में आज का वीडियो है। एक्चुअली ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म आनंद के लिए और गुड्डी दोनों फिल्मों के लिए अमिताभ बच्चन सर को साइन किया था। आनंद में बाबू उमासाई, डॉक्टर बाबू उमासाई के रोल में थे। राजेश खन्ना मेन लीड थे। बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी, इमोशनल मूवी थी। कैंसर पीड़ित पेशेंट का रोल राजेश खन्ना सर ने निभाया था। अमित जी ने डॉक्टर बाबू उमासाई का रोल निभाया था। काफ़ी जबरदस्त फिल्म थी और साथ ही गुड्डी के लिए भी साइन किया था और 10 दिन की शूटिंग भी अमिताभ बच्चन कर चुके थे इस फिल्म के लिए। बाद में क्या हुआ पता नहीं, धर्मेंद्र जी को मेन लीड के लिए इस फिल्म में लिया गया। उस समय धर्मेंद्र जी अमिताभ बच्चन से कई बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, बड़े एक्टर हुआ करते थे, तो फिर उनको लिया गया। अमित जी का भी एक, अमित जी को पहले केमियो टाइप का रोल था लेकिन बाद में पता नहीं क्या बात हुई, खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद में ये मौका धर्मेंद्र जी को मिला था फिल्म में काम करने का। खैर, जब शोले फिल्म आई थी तो उस समय तक अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। इससे पहले ऋषिकेश मुखर्जी वो नमक हराम फिल्म भी बना चुके थे राजेश खन्ना के साथ और इसमें भी बहुत ज़बरदस्त रोल था अमित जी का और राजेश खन्ना का। एक्चुअली ये फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए लिखी गई थी और राजेश खन्ना क्लाइमैक्स में मरना चाहते थे। वो पहले क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन की डेथ दिखाई जानी थी लेकिन राजेश खन्ना चूंकि उसमें बड़े स्टार थे तो उनकी बात माननी पड़ी और क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना की डेथ दिखाई गई। हालांकि फिल्म बड़ी हिट थी और बहुत ही अच्छी इनकी केमिस्ट्री थी, अमित जी राजेश खन्ना दोनों का जो रोल था, एक्टिंग थी, लीजेंड ने बहुत ही मतलब वर्ल्ड क्लास A1 एक्टिंग थी और दोनों को पसंद किया गया था। फिल्म बड़ी हिट थी। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रोल में एक तरीके से थे, काफ़ी गुस्सेल व्यक्ति के रोल में थे, मीन मालिक के रोल में थे, राजेश खन्ना मजदूर के रोल में थे। दोनों की दोस्ती बहुत अटूट थी। तो ये ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्होंने फिल्म में की। चुपके चुपके में भी अमित जी ने गेस्ट रोल किया था धर्म जी के साथ, एक प्रोफेसर के रोल में। धर्म जी ड्राइवर बने थे फिल्म में, काफ़ी ऐसी मजाक से भरपूर थी। असरानी, जया बच्चन और शर्मिला टैगोर, आज भी याद है, फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी। लेकिन शोले फिल्म आते आते अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे, धर्मेंद्र जी से बड़े बन गए थे। और क्या आपको पता है कि शोले फिल्म में पहले कुछ दिनों तक शोले फिल्म बिल्कुल नहीं चली थी बॉक्स ऑफिस पर और इसको फ्लॉप घोषित कर दिया गया था। तब सभी लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन की जो मौत दिखाई गई है उसके कारण ऐसा हो रहा है, तो इसको क्लाइमैक्स को बदलना पड़ेगा, ऐसी खबरें चली। लेकिन फिर अचानक से फिल्म का मतलब एक फिल्म ने उछाल मारी और ज़बरदस्त तरीके से कलेक्शन आने लग गए, तो फिर ये चेंज कर दिया गया कि नहीं, अब ये क्लाइमैक्स चेंज नहीं करेंगे, क्लाइमैक्स बेटर है। और अमित जी बहुत इमोशनल कर जाते हैं जब लास्ट में उनकी क्लाइमैक्स का सीन है, तो कितना एक इमोशनल दृश्य है उनका। तो उस समय अमिताभ बच्चन काफ़ी बड़े स्टार बन गए थे और शोले फिल्म में बराबरी की फुटेज अमित जी और धर्मेंद्र को दी गई थी। कई लोगों ने कहा था कि पोस्टर में अमिताभ बच्चन को ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा बड़े पोस्टर उनके लगाए जाने चाहिए, क्योंकि उस समय, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि उस समय धर्मेंद्र जी से बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बन चुके थे। तो ये कुछ बातें सामने आई है जिसके बारे में आपको जानकारी दी। आप बताइएगा आप इन सब घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा अमित जी और धर्मेंद्र जी ने राम बलराम फिल्म भी साथ साथ की थी, इसमें भी दोनों का बहुत ही बेहतरीन रोल था, विजयानंद ने डायरेक्ट की थी। देखते हैं क्या फिर से दोनों किसी फिल्म में साथ नजर आती है क्या। हालांकि कई फिल्मों में कैमियो रोल में साथ नजर आ चुके हैं। तो एक फिल्म आई थी नसीब, जॉन जोनी जनार्दन गाना था उसमें, उसमें भी धर्म जी का एक कैमियो था, गाना मैनेजर आते हैं वो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।